गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे दिल्ली पुलिस के घायल जवानों से करेंगे मुलाकात, जो मंगलवार को हुई किसानों की हिंसा में घायल हुए थे। इससे पहले दिल्ली हिंसा में घायल पुलिस वालों से मिले कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव और करीब 400 पुलिसकर्मी घायल हुए। दिल्ली हिंसा के आरोपियों पर कसा शिकंजा, दिल्ली पुलिस आरोपियों के खिलाफ जारी करेगी लुकआउट नोटिस, लोगों से हिंसा के मोबाइल वीडियो भी मांगे गए। ट्रैक्टर परेड हिंसा मामले में किसान नेता दर्शन पाल सिंह को नोटिस, दिल्ली पुलिस ने 3 दिन में मांगा जवाब। नोटिस में दिल्ली पुलिस के साथ हुए शर्तों के उल्लंघन का जिक्र, पूछा 26 जनवरी से पहले कैसे उग्रवादी तत्व अंदर पहुंच गए। लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू और गैंगस्टर लखा सिधाना के खिलाफ केस दर्ज, लाल किले पर भीड़ को भड़काने का आरोप। केस दर्ज होने के बाद किसान नेताओं को दीप सिद्धू ने दी धमकी, कहा मैंने मुंह खोला तो मुश्किल हो जाएगी। दिल्ली हिंसा मामले में लखा सदाना पर FIR, पंजाब में पहले से दर्ज है लखा पर 20 से ज्यादा केस। सिख फॉर जस्टिस पर कसा शिकंजा, SFJ पर UAPA के तहत केस दर्ज, दिल्ली पुलिस ने 15 दिन पहले FIR दर्ज की, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली सहारनपुर हाईवे से हटाए गए आंदोलनकारी, पुलिस ने खाली कराया हाईवे। किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा के बाद सख्ती, दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर काटी गई बिजली, पुलिस फोर्स की तैनाती भी बढ़ा दी गई। गाजीपुर बॉर्डर पर बिजली काटे जाने पर राकेश टिकैत की पुलिस को चेतावनी, कहा कुछ भी हुआ तो सरकार होगी जिम्मेदार। राकेश टिकैत का एक और वीडियो वायरल हुआ, महिला पुलिस कर्मियों के रोकने के बाद भी नहीं माने राकेश टिकैत, गाजीपुर बॉर्डर का 26 जनवरी का वीडियो है। दिल्ली हिंसा पर बोले पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव, किसानों ने विश्वासघात किया, हमने संयम बरता। किसान नेता पन्नू ने रैली में शामिल लोगों को भड़काया, पुलिस कमिश्नर ने कहा हिंसा में सभी किसान नेता थे शामिल, समर्थकों को बैरिकेडिंग तोड़ने का आदेश दिया था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, राहुल गांधी पर किसानों को उकसाने का लगाया आरोप। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पंजाब से ट्रैक्टर लेकर आने वाले उपद्रवियों को पंजाब सरकार को रोकना चाहिए था, उपद्रवियों ने पुलिस पर तलवार और भाले से हमला किया था। जावड़ेकर ने लाल किले पर तिरंगे का अपमान के लिए कांग्रेस पर उकसाने का लगाया आरोप, कांग्रेस को सिर्फ परिवार राज की चिंता। ट्रैक्टर परेड हिंसा के बाद भी किसानों के कई संगठनों का आंदोलन जारी रहेगा, किसान नेता राकेश टिकैत ने 30 जनवरी को उपवास का ऐलान किया। ट्रैक्टर परेड हिंसा के बाद किसान नेताओं में दरार, आंदोलन से अलग हुए 2 किसान संगठन। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान संगठन BKU भानु ने भी अपना धरना खत्म किया, हिंसा के बाद BKU भानु ने किसान आंदोलन से खुद को अलग कर दिया। जिला बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने बॉर्डर खाली किया, अपनी बोरिया बिस्तर लेकर किसान घर के लिए हुए रवाना। दिल्ली के शहीदी पार्क में हिंसा के खिलाफ दिल्ली पुलिस के परिजनों ने किया प्रदर्शन, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल समेत कई नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की गई। दिल्ली हिंसा में शामिल दंगाइयों पर ट्विटर की बड़ी कार्रवाई, दंगाइयों से जुड़े 550 अकाउंट को ट्विटर ने किया सस्पेंड। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला का विधायक पद से इस्तीफा मंजूर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मंजूर किया इस्तीफा, कृषि कानून के विरोध में दिया था इस्तीफा। हिंसा के बाद लाल किला फिलहाल पब्लिक के लिए बंद किया गया, 31 जनवरी तक आम लोगों के लिए बंद रहेगा लाल किला। लाल किले पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, हजारों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ का बयान, नए कृषि कानून में किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम को करेंगे संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 400 उद्योगपतियों को PM करेंगे संबोधित। आज NCC कैडेट्स को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए थे ये कैडेट्स। अमेरिका के NSA ने अजीत डोभाल से की बातचीत, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा, क्षेत्रीय सुरक्षा, कोरोना, जलवायु परिवर्तन पर हुई बातचीत। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा, राफेल विमानों का तीसरा जत्था पहुंचा भारत, रास्ते में UAE की वायुसेना ने आसमान में भरा फ्यूल। बढ़ सकती है रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें, रिमांड के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई, ED ने पूछताछ के लिए मांगी है रिमांड। बजट में ATC की सीमा बढ़ा सकती है सीतारमण, ज्यादा इनकम वालों पर लग सकता है कोरोना सेस। तांडव मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ इनकार किया गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में गोदाम में लगी भीषण आग, आग से भारी नुकसान की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक एग्रो कंपनी में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2,80,000 रुपए के जाली नोट के साथ 4 को किया गिरफ्तार, आरोपी के घर में ही छापते थे नकली नोट। राजपथ पर यूपी के राम मंदिर मॉडल वाली झांकी ने मारी बाजी, मिला पहला स्थान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पुरस्कार देकर करेंगे सम्मानित। आज प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, निवेश के लिए तैयार की गई औद्योगिक नीति पर होगी चर्चा। आज अल्मोड़ा में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पारंपरिक एफर्ट कला से जुड़ी बेटियों से भी करेंगे संवाद, पौड़ी में करेंगे कई विकास कार्यों का लोकार्पण। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज सुनवाई, मथुरा जिला कोर्ट में होगी सुनवाई, शाही मस्जिद को हटाने की मांग की याचिका है। शूटर संदीप सिंह से पूछताछ में बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक कुट्टू सिंह के कहने पर हत्या के लिए संदीप तैयार हुआ था। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत, एक साथ जब अर्थी निकली तो रो पड़ा पूरा राजगढ़। पीएमटी फर्जीवाड़ा मामले में ग्वालियर के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई आज, बेंच के सामने पेश होंगे 5 आरोपी, 7 जनवरी को सीबीआई ने पेश किया था 4,000 पन्नों का चालान। छत्तीसगढ़ में टूटे धान खरीदी के सारे रिकॉर्ड, 3 दिन पहले ही टारगेट के करीब पहुंचा आंकड़ा, 20.25 लाख किसानों ने बेचा 89.63 लाख मेट्रिक टन धान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांकेर के गोविंदपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे, जिले को 342 करोड़ के विकास कार्यों की भी देंगे सौगात। इंग्लैंड में होने वाली 5 टेस्ट मैचों की तैयारी के लिए टीम इंडिया की जोरदार प्लानिंग, बेहतर तैयारी के लिए इंडिया एक खिलाफ खेलेगी। राजस्थान निकाय चुनाव में 20 जिलों के 90 निकायों में मतदान जारी, 90 निकायों के 3,035 वार्डो के लिए 5,253 बनाए गए मतदान केंद्र। बंगाल में आज गरजेंगे सीएम हेमंत सोरेन, झाड़ग्राम में करेंगे चुनावी जनसभा।